हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रीत में। दोस्तों, सबसे पहले अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट करके अपनी राय भी दिया करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आगे इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजगार कार्यालय पंजीकरण डेट घोषित करने की बजाय पंजीकरण को आजीवन मान्य किया जाए। बेरोजगार युवाओं से रिकवरी करना बंद करो, यानी कि जो रोजगार कार्यालय पंजीकरण है हमारा, उसको डेड घोषित करने की बजाय उसे आजीवन मतलब कि मान्य किया जाए। बेरोजगार युवाओं से रिकवरी करना बंद कर दो, जो भत्ता रिकवरी, जो पैसे रिकवरी कर रहे हैं उन्हें बंद कर दो। स्कीम से बाहर हुए वे वर्तमान में काम कर रहे सक्षम युवाओं को बगैर किसी शर्त को स्वरोजगार निगम में शामिल किया जाए। यानी कि जो सक्षम स्कीम से बाहर हुए या वर्तमान में जो काम कर रहे हैं सक्षम युवा, उनको किसी भी शर्त के बिना, कोई भी शर्त ना, कंडीशन ना, उसे के बिना कौशल रोजगार विभाग है जो निगम बना है उसमें शामिल करो। और स्कीम में लगी जो केवल 3 वर्ष काम व 35 वर्ष तक की आयु तक ही बेरोजगार भत्ते की शोषणकारी शर्त को भी रद्द कर दो। वे विभागों में स्थायी काम व बेरोजगारी भत्ता 58 वर्ष तक किया जाए। और नेक्स्ट क्या है कि 12वीं पास को 4000 रुपये, ग्रेजुएट को 6000, पोस्ट ग्रेजुएट के 9000 मासिक बेरोजगारी भत्ता तथा वह विभागों में स्थायी काम के साथ साथ 18000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाए। फैमिली आईडी की वजह से बाहर किए गए सक्षम युवा को स्कीम में वापस लो। हरियाणा सरकार के 9th अमेंडमेंट के अनुसार यात्रा भत्ता रोजगार विभाग द्वारा दिया जाए। बेरोजगारी भत्ता व मासिक मानदेय महीने की 10 तारीख तक सक्षम को दिया जाए। क्या कंडीशन है ये जो हमारी मांगे हैं सक्षम युवा की, वो क्या है कि एक तो जो हमारे आने जाने खर्च होता है भत्ता, यात्रा भत्ता, कहीं काम मिल जाता है अदर डिस्ट्रिक्ट में के गांव में, तो वहां पर आने जाने में जो किराया लगता है वो रोजगार विभाग द्वारा दिया जाए। और जो भत्ता आता है हमारा वो 10 तारीख से पहले पहले आ जाए महीने की। कुछ युवा फैमिली आईडी की वजह से बाहर हो गए स्कीम से, उन्हें वापस लो, ठीक है। और जो पैसे हैं वो इतने तो आए 4000-6000, और महीने के 18000 रुपये भी दिए जाए, स्थाई काम भी दिया जाए साथ साथ में। और जो कंडीशन है 3 वर्ष की और 35 वर्ष की आयु, उसको भी रद्द करके एक स्थाई काम 58 वर्ष तक दिया जाए। और हमें कौशल रोजगार नियम में शामिल किया जाए, जो रिकवरी कर रहे हैं वो बंद की जाए। तो दोस्तों, क्या करना है इसके लिए, सक्षम युवाओं की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन जारी है, जो दिनांक 4 अगस्त 2022 को होगा। समय सुबह 10 बजे, स्थान जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर वाला पार्क पानीपत। ये देख सकते हैं, अजय देशवाल राज्य सचिव है, विनोद डरोली राज्य प्रधान है, और राज कौशिक जिला प्रधान पानीपत, हरियाणा सक्षम युवा यूनियन जिला पानीपत। तो उस पानीपत के जितने भी युवा है उनको आपको स्थान बता दिया कहाँ पे पहुँचना है, और समय बता दिया और दिनांक बता दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जो वीडियो देख रहा है वो इस आंदोलन में जरूर जाए, धरना प्रदर्शन में जरूर जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।